आज की रात में मैंने देखा कि रातिम ने कोई 3 सवा 3 बजे सुबह शादी से कोई 1 घंटा पहले ख्वाब में देखा कि रातिम और मौलवी हमजा खां खोरजवी जो फला थे मौकी वालीगढ़ किसी जगह मौजूद है जहाँ काफी हरियाली और ऊंचे ऊंचे दरख्त है। अच्छा। ख्वाब में रातिम को बावर हुआ कि वह आम के दरख्त थे। अच्छा। बीच बीच से कई मसनू यानी इंसानों की तामीर करदा नहरें शिमालन व जनूबन बह रही है। अच्छा। और नहरों के बीच बीच की जगहों में मकई के पौधे खूब हरे भरे लाल आ रहे हैं। अच्छा। जिनमें अभी बालियां नहीं आई थी। जी। मैंने हमजा से कहा बेटा तुम्हारे तो बहुत मजे हैं, देखो यहाँ क्या बहार आई हुई है। अच्छा। उन्होंने फौरन मकई के ही पौधे उखाड़ के मेरे सामने ला के डाल दिए। अच्छा। जिनकी जड़ें और तने और पत्ते बहुत सरसब व शादाब थे। अच्छा। जड़े बारीक बारीक और सफेद थी। उसने वो पौधे मेरे सामने जमीन पर डालते हुए कहा हजरत लीजिए ये अपने यहाँ लगा लीजिएगा। अच्छा। उसके मान बाद मेरी आँख अलार्म की आवाज से खुल गई, ठीक 3:30 बजे थे। अच्छा। ख्वाब से बेदार हुआ तो एक खुशगवार एहसास दिल दिमाग पर छाया रहा। जी। वजू करके आए तो नमाज में बहुत जी लगा। अच्छा। उसके बाद दुआओं और फिर सुबह शादी के बाद अदान फजर के बाद नमाज फजर में भी बहुत जी लगा और बल्कि ताजगी और चुस्ती का एहसास होता रहा। अच्छा। हाँ ये आज ही का ख्वाब है, मैंने लिख लिया है इसको। अच्छा। डायरी में जो लिखता हूँ तो मैंने कहा तुमको सुना दे फौरन। जी बहुत अच्छा। पता नहीं क्या चीज है हरियाली देखना सुना अच्छा समझा जाता है। जी अच्छा समझा जाता है। हाँ वो भी बहुत शानदार हरियाली थी। अच्छा। बड़े बड़े दरख्त थे, बीच में से उत्तर और दक्षिण की ओर नहर बह रही थी, कई नहर है, एक नहर पे रुका दूसरी ताहद निगाह नहरे और एक पर सब्जा था हद निगाह। अच्छा। दरख्त बड़े ऊंचे ऊंचे थे लेकिन हमको लगा जैसे आम के पौधे दरख्त। अच्छा। नहीं हरियाली और जारी पानी सब। हाँ पानी के बीच बीच में जो जगह थी ना उसमें मकई लगे हुए। अच्छा। तो मैंने कहा यार तेरे से बहुत मजा है यार, शायद तुम्हारा इलाका था गालिबन वो। मैंने क्या मजा आ रहा है यार, तो तुम फौरन उसमें से दरख्त उखाड़ के ले आए, हालांकि मकई उखाड़ने के बाद लगाई लगाई नहीं जाएगी लेकिन शायद तुम्हारी वाकत। लेकिन उसके बाद मुझे क्या हुआ नहीं हुआ कुछ पता नहीं चला, इसलिए फौरन उम्मीद टूट गई हमारी, अलार्म बजने लगा तो रूठ गया। अच्छा। हाँ 3:30 से 3:30 के दरमियान देखा है ख्वाब। अच्छा ख्वाब सुना। हाँ अल्लाह भाई से खैर बनाए, कोई कोई खैर का जरिया होगा ये इंशाल्लाह। जरूर जरूर इंशाल्लाह। चलो ठीक है, बच्चों को दुआ सलाम कर दो। जी हमारे हम भी नहीं थाली ले लेते हैं इंशाल्लाह। हम तो लिख रहे हैं बीच में छोड़ के, याद आया तो डायरी लिख रहे। मैं भी लिख लेता हूँ। ठीक है। सलाम वालेकुम।